पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सारा खान जो कुछ चंद दिन कबल काफी ज्यादा बीमार थी और इसी वजह से अदाकारा कई दिन हॉस्पिटलाइज भी रही। और दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको दिखाएंगे कि सारा खान और फलक शबीर ने अपनी जानिब से अपने फैंस को बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना दी है और बता दिया है कि सारा खान घर वापस आ चुकी हैं। और घर वापस आते ही अगले रोज दोनों ने बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा फोटो शूट करवाकर सबको हैरान कर दिया है। सारा और फलक की जानिब से आने वाली न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिन पहले ही जब फलक शबीर ने सारा खान की हॉस्पिटल के बेड पर लेटे एक पिक शेयर की और अपने फैंस से कहा कि सारा खान के लिए दुआ करें, लेकिन फलक शबीर ने भी अपने फैंस को ये ना बताया कि आखिर सारा खान को क्या हुआ है और यूँ अचानक अदाकार हॉस्पिटलाइज्ड क्यों हो गई हैं। क्योंकि चंद दिन पहले ही सारा खान ने अपनी बेटी के बर्थडे को बहुत ही शानदार अंदाज से सेलिब्रेट किया था और अलियाना की बर्थडे पर सारा खान काफी ज्यादा फ्रेश नजर आ रही थी, लेकिन यूँ अचानक सारा खान को क्या हो गया तो आपको बताते चले कि कहा जा रहा है कि सारा खान सेकेंड टाइम प्रेगनेंट है। क्योंकि दोस्तों जब अलियाना की पैदाइश होने वाली थी तब भी फलक शबीर ने ऐसे ही सारा खान की हॉस्पिटल के बेड पर लेटे एक वीडियो शेयर की थी और फैंस से कहा था कि सारा के लिए दुआ करें। और फिर चंद दिन बाद इस खूबसूरत से जोड़ी ने अपनी बेटी अलियाना की आने की खुशखबरी सुनाई थी। और दोस्तों अब भी यही ख्याल किया जा रहा है कि सारा खान प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि सारा और फलक के हॉस्पिटल से घर आने के अगले ही रोज दोनों का ये फोटोशूट सामने आया है और उसे देखने के बाद सबका यही कहना है कि सारा खान वाकई माँ बनने वाली है। दोस्तों याद रहे कि शोबिज़ की इस खूबसूरत से जोड़ी ने चंद दिन पहले ही अपनी प्यारी सी बेटी अलियाना की सेकेंड बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। दोस्तों आपको सारा खान और फलक शबीर के हवाले से वीडियो कैसी लगी अपने राय का जहर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।